Hey, welcome back. आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम दिस इशू डॉक्टर मुख्यज दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त पता है क्या मैं अंग्रेजी आपको न अब अब बिना बुलवाए नहीं छोड़ूंगा अब न आपसे बुलवाऊंगा आप मेरे साथ बोलो एक वर्ड दूंगा एक सेंटेंस दूंगा आप उससे हजारों सेंटेंस आसानी से बोल सकते हो आपके लिए ना लॉलीपॉप पॉप करके लाया हूँ और बना ही दूंगा अंग्रेजी अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं ऐसे नहीं मानने वाला अब तो अंग्रेजी बुलवा के छोड़ना है बस मेरे साथ एक सेंटेंस को देखते रहो अब बोलते रहो देखो अंग्रेजी कितना आसान हो जाता है सबसे पहले क्या है आपको क्या हुआ आपको क्या हुआ तो आपको क्या हुआ वॉट हैपन टू यू आपको क्या हुआ वॉट हैपन टू यू आपको क्या हुआ आपको क्या हुआ वाट्स रॉन्ग विथ यू आपको क्या हुआ वाट्स रॉन्ग विथ यू तो क्या है एक सेंटेंस है आपको क्या हुआ इस एक सेंटेंस को आप कई तरह से बोल सकते हैं हमने क्या कहा वाट्स पन टू यू हमने क्या कहा what's रॉन्ग with you हमने कहा what's the problem द you तो what's the problem with you? तो प्रॉब्लम क्या देखा एक सेंटेंस है तरह तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं मेरे साथ बोलो आपको क्या हुआ को what's happened to you? दूसरा what's wrong with you? दूसरा what's the प्रॉब्लम विथ यू याद हुआ अब दूसरा देखो क्या चल रहा है क्या हो रहा है तो क्या चल रहा है क्या हो रहा है तो क्या चल रहा है what's गोइंग ऑन क्या चल रहा है क्या हो रहा है यार व्हाट्सअप व्हाट्सअप यार व्हाट्सअप क्या हो रहा है व्हाट्सअप क्या चल रहा है वाट्स क्या हो रहा है है ना लेटेस्ट व्हाट्स द लेटेस्ट क्या हो रहा है क्या चल रहा है व्हाट्स द लेटेस्ट समझ पा रहे हो अगला देखो यह स्पष्ट है यह स्पष्ट है इट इज क्लियर यह स्पष्ट है इट इज क्लियर यह स्पष्ट है इट इज अंडरस्टूड यार इट इज अंडरस्टूड यह स्पष्ट है इट इज लूसिड 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 इट्स इट्स यह है इट इज ऑब्वियस इट इज ऑब्वियस इट इज लूसिड इट इज क्लियर इट इज अंडरस्टूड क्लियर तो याद हुआ यहाँ तक तो इस तरह यह स्पष्ट है क्लियर हो गया अब इस तरह से और आगे देखते हैं और क्या हो सकता है अब अगला देखें अब देखो होता क्या है कि हम लोग प्लान करते रहते हैं बोलने का लेकिन जब स्टार्ट करोगे ना हमने ऐसे ऐसे कई वीडियो दिए आपको आप एक एक करके सेल नंबर से कॉपी कलम निकाल लो और निकाल करके बैठ जाओ मेरे साथ जब निकाल के बैठोगे जब लिखना शुरू करोगे ना तो आपका अंग्रेजी बिल्कुल ही आसान हो जाएगा टिप ऑफ द टंग हो जाएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा आप देखते हैं कौन से आज आप खुश नजर आ रहे हैं अब सोचो किसी को बोलना है कि आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज आप बड़े खुश हैं तो आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे देखिए एक दो तीन तरह से ये तीनों अगर याद है ना तो आसान हो जाएगा यू लुक हैप्पी टुडे यू लुक हैप्पी टूडे है ना आज आप खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे यू की जगह ये कर सकते हो तो ही लुक्स हैप्पी टूडे आई लुक हैप्पी टूडे यू लुक हैप्पी टुडे है ना यू सीम

किसी व्यक्ति को अगर बोलना है तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि आज आप खुश आ रहे हो यानी यू लुक हैप्पी टुडे यू सिम टू बी हैप्पी टुडे यू हैप्पीर टू बी हैप्पी टुडे लिख भी लो याद भी कर लो अरे देखो यह बात मेरे दिमाग से बाहर है यह बात मेरे दिमाग से बाहर है कैसे पढ़ेंगे इट्स आउट ऑफ़ माय माइंड यार इट्स आउट ऑफ माय माइंड यह बात मेरे दिमाग से बाहर है इट्स आउट ऑफ माय थॉट इट्स आउट ऑफ माय थॉट इट्स आउट ऑफ माय रीच इट्स आउट ऑफ माय थिंकिंग तो आप जैसे चाहो ना वैसे बोल सकते हो यह बात मेरे दिमाग से बाहर है यार यह बात मेरे दिमाग से बाहर है आप बोलो ना मेरे साथ आपको किसे बोलना है किसे टेंशन हो रहा है क्या बोलोगे यार यह बात ना मेरे खोपड़ी से बाहर की बात है यह बात ना मेरे दिमाग से बाहर की बात है सुन रहे हो आवाज़ सुन रही है आप तो ध्यान देने उस पर तो हमने कहा यह बात मेरे दिमाग से बाहर है इट्स आउट ऑफ माई माइंड यह बात मेरे दिमाग से बाहर है इट्स आउट ऑफ माई थॉट्स आउट ऑफ माई थॉट्स यह बात मेरे दिमाग से बाहर है इट्स आउट ऑफ माई रिच इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग तो जब बोलोगे कि इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग इट्स आउट ऑफ माई रिच इट्स आउट ऑफ माई माइंड तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो मैं कहता हूँ मेरे यार अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो दिल्ली आ जाओ ना दिल्ली आकर पढ़ लेते हैं बिल्कुल फेस टू फेस कोई दूर थोड़े है अब दिल्ली दूर नहीं है आप आकर पढ़ सकते हो लेकिन मेरे साथ ये स्पीकिंग वर्ड करके देखो बोलना भी आसान हो जाएगा एक एक सेंटेंस इंग्लिश कहते हैं ना कि सुन करके कर जाता है। अंग्रेजी कैसे पढ़ें इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देखें क्योंकि आप 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 सुनोगे ना ना तो तो अंग्रेजी बेहतर बोल सकते हो अगला देखो ये 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 पर 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 निर्भर निर्भर करता 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 है 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 जैसे कोई बात बोलना है, क्या बोलते हैं भाई डिपेंड है। चीज तो तो इसको क्या बोलोगे? इट्स अप टू यू ये खूब बोलते हैं स्पीकिंग वाले इसको खूब बोलते हैं इट्स अप टू यू इट्स अप टू यू इट्स अप टू यू ये आप निर्भर करता है ये आप पर निर्भर करता है इट्स अप टू यू इट्स अप टू यू ये आप पर निर्भर करता है इट्स अंडर योर कैपेसिटी इट्स अंडर योर कैपेसिटी इट्स अंडर योर डिज़ायर इट्स अंडर योर विश इट्स अंडर योर डिजायर इट्स अंडर योर कैपेसिटी तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो तो आप इसका ए आप पर निर्भर करता है इट डिपेंड्स अपॉन यू इट डिपेंड्स ऑन भी कह सकते हो डिपेंड्स ऑन यू इट्स अप टू यू हम लोग बोलते हैं क्या इट्स अप टू यू यार ये तुम प्रभर पर करता है इट्स अंडर योर कैपेसिटी इट्स अंडर योर पावर इट्स अंडर योर एबिलिटी इट्स अंडर योर डिजायर इट्स अंडर योर विश तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंस इजीली बोल सकते हो तो एक बार मेरे साथ रिविजन करो फटाफट क्या बोलोगे आज आप खुश नजर आ रहे हो आज आप खुश नजर आ रहे हो यू लुक हैप्पी टूडे यू सिम टू बी हैप्पी टूडे यू टू बी हैप्पी टूडे बोलो ना मैं बोलते बोलते गला फंसा लिया और तुम मुस्कुरा रहे हो बोलो मेरे साथ यह बात मेरे दिमाग से बाहर है इट्स आउट ऑफ माई माइंड इट्स आउट ऑफ माई थॉट्स इट्स आउट ऑफ माई रीच इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग बोलोगे ना एक बार और, और बोलो मेरे साथ आप पर करता है इट डिपेंड्स अपॉन यू इट्स अंडर योर कैपेसिटी इट्स अंडर योर डिजायर अब अगला देखते हैं तो आप क्या है अब सोचो मत अभी शुरू हो जाओ सोचोगे काम गया आपको सोचना नहीं है बस शुरू हो जाना है एक बार जब शुरू हो गया तो रुकना नहीं है अंग्रेजी आसान हो जाएगा मेरे बच्चे अंग्रेजी बहुत आसान है बस एक बार एक, एक काम करो याद करना भी शुरू कर लो मोबाइल फोन लो स्क्रीन शॉट लो और लिखना भी शुरू कर दो जब लिखना आ जाएगा तो इसको बार बार बोलो और मैं कहता हूं ना डेली यूज में लिखो आप दस बच्चों का ग्रुप बना लो इस ग्रुप में आप बोलो वो बोलेगा वो बोलेगा आप बोलो जब दोनों मिल के आपस में बोलोगे ना तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा अब मेरे साथ बोलो ना मेरे साथ बोलो ठीक है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो ना मेरी बात सुनो प्लीज लिसन टू मी प्लीज लिसन टू मी मेरी बात सुनो प्लीज बी ऑल इयर्स प्लीज बी ऑल यर्स है ना मेरी बात सुनो मे आई हैव योर टेंशन है ना मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज तो क्या हुआ मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज मेरी बात सुनो तो इस तरह से बोलोगे ना तो क्या हो जाएगा मजा आ जाएगा फिर से एक बार मेरी बात सुनो प्लीज लिसन टू मी प्लीज लिसन टू मी प्लीज बी ऑल यर्स प्लीज बी ऑल यर्स मे आई हैव योर टेंशन प्लीज आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो पे अनाउंस करता है मे आई हैव योर टेंशन प्लीज दिस ट्रेन इज गोइंग टू बी बोलता है ना तो आप क्या करते हो तो इस तरह सुनते हो वो क्या करता है मेरी बात सुनो तो आप कहीं भी जाओ कोई अंग्रेजी बोल रहा है ना तो उसे सुनो क्या बोलना चाह रहा है अगला देखो मैं आपसे सहमत नहीं हूं आप ये तो डेली प्रयोग में है ये रोज प्रयोग करते हो कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं इसको कितने अंदाज में बोल सकते हैं तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं आई डोंग्री यू आई एग्री विथ यू आई डोंट सपोर्ट इट मेरे साथ बोलो जरा मैं आप सहमत नहीं हूं आई डोंट एग्री बिथ यू आई डोंट एग्री विथ यू आई डोंट एग्री बिथ यू तो लगातार बोलो ना इसे याद हो जाएगा मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं बहुत आता है कोई बात नहीं इस वर्ड को याद कर लेना है और याद करके बोलना है अपने डेली लाइफ में यूज कर लेना है यूज हो जाएगा तो बोलते प्रयोग करना है मैं आपसे समझ नहीं हूं आई डोंट एग्री विथ यू मैं आपसे समझ नहीं हूं आई डोंट थिंक सो यार आई डोंट थिंक सो यार मैं आपसे समझ नहीं हूँ आई डोंट सपोर्ट इट आई डोंट सपोर्ट इट तो क्या हो गया अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा अगला देखो यार मैं परेशानी में हूं मैं परेशानी में बताऊं यार मैं परेशानी में हूं आई एम इन ट्रबल यार आई एम इन ट्रबल आई एम इन हॉट वाटर आई एम इन हॉट वाटर मैं परेशानी में हूं आप एक सेंटेंस को कई अंदाज में आई एम इन हॉट वाटर आई एम फेड यार आई एम फेड अप आई एम फेड अप मैं परेशानी में हूं आई एम इन प्रॉब्लम आई एम इन प्रॉब्लम तो बोलो ना मेरे साथ मैं परेशानी में हूं आई एम इन ट्रबल आई एम इन हॉट वाटर आई एम फेड अप आई एम इन प्रॉब्लम

टेल मी where वेयर यू लिव टेल मी place वेयर यू लिव आप कहां रहते हो? Where is your इज योर रेसिडेंस वेयर डू यू ट्वेल्व वेयर डू यू ट्वेल्व आप कहाँ रहते हो तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को मेरे साथ दोहराओ आप कहाँ रहते हो Where डू यू लिव है ना टेल मी place वेयर यू लिव इन

मे आई हैव योर टेंशन मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज मैं आपसे सहमत नहीं हूँ ना मैं आपसे सहमत नहीं हूं आई no. डोंग्री विद यू आई डोंग्री विद यू आई डोन्ट एग्री विथ यू आई डोन्ट थिंक सो आई डोंट थिंक सो आई डोट थिंक सो असमत नहीं हूँ आई डोंट सपोर्ट इट आई डो नॉट सपोर्ट इट तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक सेंटेंस है तीन तरह से बोलो जब ऐसे बोलोगे ना तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा बस मेरे यार बोलने की प्रैक्टिस करो अंग्रेजी आपके लिए चुटकियों में सिखा दूंगा बस एक बार करने का प्रयास करो यहाँ देखो मैं परेशानी में हूँ फिर से एक बार कर रहा हूँ मैं परेशानी में हूँ आई एम इन ट्रबल आई एम इन ट्रबल आई एम इन ट्रबल आई एम इन हॉट वाटर आई एम इन हॉट वाटर आई एम फेड अप आई एम फेड अप आई एम इन प्रॉब्लम आई एम इन प्रॉब्लम देख रहे हो आप कहाँ रहते हो आप कहां रहते हो पता है ना तो डू यू यू प्लेस वेयर डू यू डिप इस तरह से आप पूरा काम कर सकते हो मेरे दोस्त मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ आपको अंग्रेजी में कहाँ समस्या है आपको जो समस्या है ना आप मुझे बताओ कमेंट करो और इस वीडियो को ना क्रांति तरह हर एक बच्चे को शेयर करो क्यों करो शेयर क्योंकि विद्या जितना बांटते हैं ना उतना बढ़ता है तो जितना इसको शेयर करो आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा क्योंकि शेयर करोगे तो पढ़ोगे और आपका मित्र पढ़ेगा तो आपसे अंग्रेजी में बात करेगा तो बात करेगा तो शेयर करने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ इसके साथ साथ आप कमेंट करो अंग्रेजी में लिख करके तो अंग्रेजी में लिख कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो मुझे वो कमेंट कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा मुझे इस तरह से आप मुझे हौसला बढ़ाइए मैं हौसला आपको बढ़ाता हूँ आप मुझे जोश दे मैं आपको जोश देता हूँ मुझे भी एनर्जी की आवश्यकता होती है तो आप जब कमेंट करते हो लाइक करते हो शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपसे मिल कर के बहुत मैं खुश रहता हूँ हमेशा इसीलिए आपके लिए मैं कुछ भी हो गला ख़राब ही सही लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को घर बैठे आप चाहते हो कि नहीं सर आपका पूरा क्लास चाहिए तो घर बैठे आप अपने मोबाइल पर आप डी का ऐप डाउनलोड करके पूरा क्लास कर सकते हो आप स्पोकन का भी क्लास कर सकते हो आप जो क्लास चाहे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पर घर बैठे पढ़ सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद थैंक यू